ठीक है, आप गलती मान लीजिए तो चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते, भविष्य में ऐसा काम मत हो सर। ये हम लोग का सर, ये कोई तरीका है क्या? पर बुद्धिया है सर, पर बुद्धिया, पर बुद्धिया माने पर बुद्धिया है क्या? इस प्रकार की गतिविधि अगर पुलिस प्रशासन या तहसील प्रशासन करेगी तो मास को संभाल पाना हमको मुश्किल होगा। 10,000 भीड़ है, 10,000 भीड़ को ये बैरिकेड लगाते हैं, ये नहीं रोक सकते। सर, आज का जो कार्यक्रम था आपका, इसे आप सफल मानते हैं और आपका जो लक्ष्य था उसकी पूर्ति को और आप अग्रसर हैं क्या? पूरी अपार भीड़ है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से माताएं बहनें एक सैलाब लेकर के आई हैं, एक स्वतः आई है। ये नहीं कि हम जिस तरह से रायपुर में प्रशासन के द्वारा ढुला के ले जाया गया, ऐसा नहीं है। स्वतः अपने गाँव से आए हैं, अपने घर से आए हैं, अपना अधिकार मांगने आए हैं। ये बताता है कि परिवर्तन होने वाला है, अब परिवर्तन का समय आ गया है। सर मैं जानना चाहूँगा कि विपक्ष तो पूरी अपनी तरह अपना जो है पूरी तरह से कर्तव्य निर्वाह कर रही है। सर आप देख रहे हैं विपक्ष अपना पूरा कर्तव्य निर्वाह रही है। इसके अलावा और सर, छत्तीसगढ़ की जनता का जो अभी उन्होंने आवास की चोरी की, हम उनके खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने राशन की चोरी की, उसके खिलाफ आगे आंदोलन होगा। और कोयला चोरी तो आप लोगों को पता है कि कोयला चोरी तो लोग रोज कर रहे हैं, कोयले की चोरी। जी मैम, इसमें एक सवाल हमारी तरफ से ये था कि आज इतना बड़ा आप लोगों का कार्यक्रम था विपक्ष का, अगर कहा जाए तो इस जिले का सबसे बड़ा हल्ला बोल था एक तरीके से सत्ता पक्ष के खिलाफ में, और जो भी नीतियाँ हैं सत्ता पक्ष की उसके खिलाफ में। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग मीडिया के बीच में अपनी बात को पहुँचा पाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से आज मीडिया की उपस्थिति यहाँ इतनी नगण्य है? देखिए, विरोध प्रदर्शन कराना विरोधी दल का काम है। मीडिया के बात कहे, मीडिया आप लोगों का काम है कि कैसे टाइप के फोकस करना, लोगों तक जाना। देखिए, विरोध प्रदर्शन करने में अगर हमारे तक बात आनी चाहिए, विरोध नहीं, सारे जो सबको बात है, पता है कि आज ये कार्यक्रम होना है। और आप लोगों का अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत है, आप लोग आए, ये प्रदर्शन था हमारा, प्रदर्शन किए, आप लोगों का अभिनंदन, आप लोग आके जो मीडिया को कवरेज कर रहे हैं। एक कहावत है सर कि देर से सही जागे तो सही, तो इतनी देर से आप लोगों को नहीं लगता है कि पिछले 4 सालों से छुटमुट रूप से विरोध प्रदर्शन चल रहा था, ऐसा बड़ा विरोध प्रदर्शन और भी होना चाहिए था, आप लोग देर से इन नीतियों के खिलाफ जागे हैं? छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जब के आमा तब के लबेदा। अभी कर जाए के बेरा आगे है, तो फिर हमें ठीक ठाक ना एकदम ठीक ठाक भेजना है वापस है। मतलब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सर, इसको हम आपकी चुनावी जो है तैयारी समझे? चुनाव हमारा भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन मतदान समाप्त होता है और मतगणना समाप्त, दूसरे दिन से हम तैयारी करते हैं, पूरा 5 साल तैयारी करते हैं। इसमें अभी जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार की बात उन्होंने की थी और सफलता गिनाई थी कि जब दोनों राज्यों में, केंद्र में और राज्य में, जब एक पार्टी की सरकार रहती है तो विकास अलग ढंग से होता है, तो भूपेश बघेल जी ने कहा कि हिमाचल में ये एजेंडा फेल हो गया था। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा के पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे सफलता गिनाने के, जैसे यूपी का मामला हो या असम का मामला हो, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे बार बार डबल इंजन की सरकार सफलतापूर्वक चल रही है, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को अच्छे ढंग से क्यों नहीं उठाया है? भारतीय जनता पार्टी समय पर जहाँ जहाँ स्थान है बिल्कुल वैसे वैसे उठा रही है, सबको मालूम है। अब कांग्रेस क्या कहती उसके हमको नहीं जाना है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस प्रकार से हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये परिवर्तन का समय है। सर, अभी तक हाँ जी देखी गई है कि प्रदेश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं उसके लिए केंद्र से जब कोई प्रतिनिधि आए हैं, चाहे वो नड्डा जी का विषय हो, स्मृति ईरानी जी का विषय हो, या अभी अमित शाह जी का विषय हो, तभी कोई बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिला है। तो प्रदेश स्तर पर ऐसा कोई जनव्यापी आंदोलन क्यों नहीं हो पाया? नहीं, आंदोलन प्रदेश स्तर पर ही हो रहा है, पर हमारे यशस्वी नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, और हमारे हर कार्यक्रम में हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, यशस्वी नेतृत्व को बुलाते हैं, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में और उत्साह का संचार होता है। माननीय अमित शाह जी आए, स्मृति ईरानी जी आए, मोदी जी भी आएंगे। हम सबका एक दायित्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस छत्तीसगढ़ में पुनः स्थापित करेंगे। रही बात आप बोल रहे थे कि हमको
क्यों लेट में हम कर रहे हैं ये आंदोलन। कोई भी सरकार बनती है तो उसको समय देना चाहिए काम करने का। भारतीय जनता पार्टी एक जवाबदार विपक्ष के रूप में 2.5 साल तक किसी प्रकार का कोई आंदोलन न करके इस भूपेश बघेल की सरकार को हमने समय दिया, और उसके बाद कोरोना के कार्यकाल में हम निकल नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना काल समाप्त हुआ है और 2.5 साल का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है और कोरोना काल समाप्त हुआ है, उसके बाद एक से एक बढ़कर के उग्र आंदोलन। हमने युवाओं का हल्ला बोल किया रायपुर में, 1 लाख युवा उपस्थित हुए थे। हमने महिलाओं का हुंकार रैली की बिलासपुर में, उसमें 1 लाख महिलाएं उपस्थित हुई थी। हमने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का जेपी नड्डा जी के साथ बैठक कराई, सम्मेलन कराया, जिसमें हमारे 35,000 कार्यकर्ता उपस्थित होकर के सम्मेलन में भाग लिए। तो बड़ा बड़ा कार्यक्रम हमने शुरू किया है, और आप देखते जाइए आने वाले 8 महीने में इस सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। पर एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, मेरे दोनों हाथ देखिए आप लोग, मैंने पहली बार देखा कि किसी आंदोलन में बैरिकेड्स में पेंट लगा के रोका जाए। 10,000 की भीड़ हमारी आई है, इनका पेंट हमको रोक सकता है क्या? हम एक मिनट, हम तो कानून व्यवस्था को मानने वाले पार्टी के लोग हैं, इसलिए हमने संयम से काम लिया। नहीं तो इस प्रकार, मैं प्रशासन की इस मूर्खता पर मुझे हंसी आती है कि इस प्रकार का गतिविधि करके कानून व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बनाना, पर ऐसा कोई कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। पर जानबूझ के प्रशासन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कार्रवाई कर रही है, और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कारण केवल यही नहीं रहा, ये छोटा सा कार्यक्रम है, हर स्थान पर जहां भी आंदोलन होता है ये भूपेश बघेल का निर्देश है कि उसके प्रशासन के लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ें और कानून व्यवस्था बिगड़ करके उग्र आंदोलन हो जाए, और ये चाहता है भूपेश बघेल। पर हम जानते हैं कि भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ शांति के टापू है, तुम इसे अशांत करना चाहते हो, हम अशांत नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता तुमको इस चुनाव में सबक सिखाएगी। एक हमारा गंभीर प्रश्न ये था कि अभी आपने शांति व्यवस्था की बात की, अभी अभी भूपेश बघेल जी ने जो बस्तर में धर्मांतरण को लेकर विषय हुआ था, उसके बाद में राज्य शासन में कलेक्टरों को ये निर्देश दे दिया है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कोई शांति भंग वाली स्थिति होती है तो सीधे उन लोगों पे NSA लगाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस NSA कानून का दुरुपयोग हो सकता है? जो जमानत में छूट के घूम रहा है, भूपेश बघेल खुद जमानत में जेल में था, जेल से जमानत में छूटा है, बरी नहीं हुआ है, एक घृणित कृत्य के कारण जेल से निकला है, ऐसा व्यक्ति जो जमानत में घूम रहा है वो रासुका लगाना चाहता है जानबूझ के विरोधी दल को दबाने के लिए, इस प्रकार के दमनकारी षड्यंत्र कर रहा है भूपेश बघेल, जो सफल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की शांत प्रिय जनता, जिसको नक्सली मूवमेंट लगभग समाप्त की ओर था, भूपेश बघेल आने के बाद बढ़ा है। इस प्रकार के शांति व्यवस्था के मामले में हम बहुत शांत थे, आज हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, आज बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे हो रहा है, ये सब जानबूझ करके भूपेश बघेल का कुकृत्य है, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। एक सवाल करता हूँ कि मैम, ये बेसिक लड़ाई आपने शुरू की है तो केवल आवाज से क्यों, और भी तो बहुत हैं इसमें, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये चावल घोटाला कर रहा है, ये आवाज़ घोटाला कर रहा है, ये पेंशन घोटाला कर रहा है, ये शराबखोरी कर रहा है, ये रेत माफिया कर रहा है, ये खनन माफिया कर रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं और हम सारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि आवास वाला मुद्दा हमारे केंद्र सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आवास का पैसा यहाँ दे चुके थे, और ये 12 लाख आवासों की आवास के पैसा को वापस कर दिए हैं, ये गरीब जनता के हक पे डाका डाला है, तो इसलिए हम आवास के मुद्दे को लेकर के आज ये शुरुआत हुई है। आपने जो कहा ना कि भाई इतने दिनों तक आप नहीं कर रहे थे, हम कंटिन्यू, हम लगातार हम इन लोगों से बात कर रहे हैं कि आप ना इस गरीब जनता की आह मत लीजिए करके, लेकिन इसके बाद भी ये सरकार को हम पर्याप्त टाइम देने के बाद अभी भी, ये चुनाव का समय है कि अभी हम तो वोट मांगने नहीं आए हैं, 10 महीना बाकी है, अभी भी हम हिदायत दे रहे हैं कि तुम आवास के पैसा आपको देना है दे दो, नहीं दोगे तो ये तो जनता आज संकल्प करके जा रही है कि इसको 10 महीने बाद उतार के उखाड़ के फेंकेगी और आवास हम दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था, और कहा जाए तो बहुत अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी लगभग सारे सीटों पर हारी थी। आगामी चुनाव में आपको किस परिणाम की अपेक्षा है? देखिए 2003 में भी कांग्रेस के सरकार के बाद ना बहुत अच्छे वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब कांग्रेस का सरकार था, तब भी बना था, आज भी कांग्रेस का सरकार है, उसके बावजूद भी हम 110% आपको श्योर करते हैं कि ये जो इसका 4 साल के भ्रष्टाचार और कृत्य को देख के आज आम पब्लिक में ये उत्सुकता जाग चुकी है कि इस सरकार से हम ठगे गए हैं, छले गए हैं, और आप 2023 में देखिएगा कि यहाँ पे भरपूर मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।